हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से स्वागत है अब्राहम टेक यूट्यूब चैनल पे। आप देख सकते हैं हमारे पास जेम पोस्नर का वाफल मेकर मशीन है और इसमें क्या प्रॉब्लम है हम लोग देखेंगे। यह एक कस्टमर का है, उन्होंने भेजा है, सो इसे हम एक बार ऑन करके देखेंगे तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है, फिर बारीकी से हम लोग चेक करेंगे इसमें क्या इश्यू है। तो आप देख सकते हो ये इसका प्लेट है। सो सबसे पहले हम इसे पावर ऑन करते हैं। यहाँ पे स्विच होता है, आप स्विच ऑन करने के बाद में आप यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे डिस्प्ले में कुछ भी आ नहीं रहा है, प्लस यहाँ पे ग्रीन लाइट आ रहा है। एक्चुअली होता क्या है, यहाँ पे टेम्परेचर आना चाहिए, लाइक जो भी 30, 40, 50 है इस तरह से टेम्परेचर यहाँ पे इंक्रीज़ होता है, डिक्रीज होता है, ये आप एडजस्टमेंट के लिए है। और ये रेड लाइट आपका ब्लिंक होता रहता है, जैसे आपने 80 में सेट किया है टेम्परेचर, देन 80 यहाँ पे आने के बाद में ये ग्रीन लाइट आना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम में भी आपको सेंसर के वजह से इस तरह से होती है, ये हीट कुछ नहीं हो रहा है। आपको मैं हॉट गन में भी दिखा सकता हूँ, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो इसके बीच में क्या होता है, इस तरह से एक सेंसर होती है, ये सेंसर हमें चेंज करना होगा। ये सारे ओपन करने होंगे ये सारे पार्ट, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसे अभी पावर ऑफ करना है। इससे भी आप निकाल दीजिए, रिमूव कर दीजिए। उसके बाद में आपको इस कवर को, इस पैनल को निकालना होगा। इसमें 3 स्क्रू होते हैं, इधर इधर और एक डाउन पोर्शन में, तो इसे हमें ओपन करना होगा। सो आप स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसे इस तरह से ओपन कर सकते हैं। तो फाइनली मैंने इसका स्क्रू निकाल दिया है, आप इस कवर को निकाल लीजिए आराम से। बोर्ड में तो कोई इश्यू नज़र नहीं आ रहा है, बोर्ड ओके है। तो ये जो सेंसर जो मैंने बताया था यही और सेंसर है, तो इसे हमें चेंज करना होगा। उसके लिए हमें अभी ये सारे पोर्शन अभी आपको ओपन करने होंगे, ये प्लेट्स आपको निकालने होंगे, ये पोर्शन आपको निकालने होंगे, यहाँ का ये पार्ट आपको निकालना होगा, इस पोर्शन को निकालना होगा, इसे रिमूव करना होगा, इसे रिमूव करना होगा, दोनों प्लेट को। ये मार्केट में मिल जाएगा आपको इसे। सो मैंने सारे स्क्रू निकाल दिए हैं, निकालने के बाद में आप इसे इस तरह से ओपन कीजिए। ये इसका हीटिंग पैड है, आप इसे इस तरफ सेपरेट कर दीजिए और ये दोनों प्लेट को आप इजीली यहाँ से निकाल सकते हैं। ये दो प्लेट हैं इसके, चलिए हम इसे साइड में रखते हैं। ये इसका हीटिंग पैड है, ये दो, और इस तरफ में सेंसर है, तो हमें यहाँ पे भी ओपन करना होगा, ये वाले पोर्शन को ओपन करना होगा। उस फिर भी जल्दी जल्दी से हम ओपन कर लेते हैं। सो हमें ये पोर्शन भी ओपन करना होगा, ये मैं ऑलरेडी रिमूव कर दिया हूँ। ये पूरा वायरिंग किया गया है, तो ये निकालने के लिए आपको बोर्ड में भी इसका वायर आपको रिमूव करना होगा, ये सेंसर वाले पोर्शन को, और इस पैड वाला हीटर यहाँ कनेक्शन को भी हमें रिमूव करना होगा। कर दिए, उसके बाद आप इसे अंदर की तरफ पुश करें। पहले ये सेंसर वाले को आप इधर बाहर निकाल लीजिए खींच के, ये बाहर निकल गया। अब हमें यहाँ भी थोड़ा सा ओपन करना होगा ताकि हम इसे बाहर निकाल सकें। हमें ये हीटिंग पैड भी निकालनी होगी, सो आप इधर इस तरह से कीजिए और इधर देखिए कि कौन सा हीटिंग पैड कनेक्टेड है। हीटिंग पैड का कनेक्शन है, तो इसे भी हम रिमूव कर लेते हैं। इसके बाद में आप यहाँ से
बाहर की ओर खींच लीजिए। सो आपको क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा इस तरह से निकालने से, एक एक करके आप निकालिए यहाँ पर। इसे ओपन करना होगा तभी हम पैड निकाल सकते हैं। तो इसे भी हम जल्दी से इस तरह खींच लेते हैं क्योंकि समय नहीं है। सो इसे रिमूव करने के बाद में आप इस प्लेट को इजीली निकाल सकते हैं। निकालने के बाद में यह सेंसर हमें निकालना है, यह सेंसर हमें चेंज करना है, नए वाले को हमें डालना है। इस वाले को हमें वापस यहाँ पे कनेक्ट करके, वापस हमें यहाँ पे फिक्स करके सारे कनेक्शन देके हमें चेक करना है। ये नया वाला है, आप देख सकते हो, इसे यहाँ पे डाल के फिक्स कर दीजिए। डालने के बाद में वापस हमें यहाँ पे इस हीटर वाले एक पॉइंट को आप इधर पे डालिए और सेंसर वाला आपका मिडिल पे जाएगा। ये सारे वायर आप यहाँ पे डालिए, फिर दूसरे में दूसरे को। देखो आप इसमें इस तरह से आप कवर कीजिए, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे पहले था वैसे ही आपको इसे पूरा डालना है। दोस्तों इसे मैं पूरी तरह से कवर कर दिया हूँ। वापस इन सारे चीज़ों को यहाँ से आपको पार करना है। आप इस तरह से इसे इस तरफ बाहर लेके आइए। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, सेम यहाँ जो होल है इस तरफ से आपको डाल के उस तरफ पे लेके जाना है। देख सकते हैं ये दोनों आ गए हैं इस तरफ, तो इससे आप इस तरह से आप खींच लीजिए बाहर की ओर। और ये हमारा रहा सेंसर वाला, तो इसे हमें थोड़ा सा केबलिंग करना होगा, ये डालना होगा जैसे पहले डाला हुआ था। तो फ्रेंड इससे भी मैंने बेंडिंग कर दिया है। आप यहाँ पे आप देख सकते हैं दो वाइट है एक रेड है, बट यहाँ पे आपको ऑप्शन में प्लस एंड माइनस है, तो उसके लिए एक हमें रेड और एक वाइट लेना होगा, एक एक्स्ट्रा हो जा रहा है, तो इसे हम कट कर देते हैं एक को। सो मैंने एक वाइट कट कर दिया है ये देखिए, और माइनस के तरफ आप वाइट को डालिए और प्लस को रेड, रेड वाली प्लस में जाएगा, यहाँ पे आप डाल के इसे टाइट कर दिया है। चलिए अब हम इसमें प्लेट डालते हैं, प्लेट डाल के हम स्क्रू डाल के एक बार टेस्ट लेके देखते हैं। सो पहले हम इसे डालते हैं, इसे वापस आप टाइट कर दीजिए, ये मैंने फिक्स कर दिया। अब हम प्लेट यहाँ पर रखते हैं, इस तरह से आप दोनों प्लेट को टाइट कर दीजिए। सो मैंने चारों स्क्रू टाइट कर दिए, इधर भी आप देख सकते हो। चलिए अभी इससे भी हम कवर कर देते हैं, यहाँ का आप इसे डाल दीजिए, इसका दोनों स्क्रू को आप डाल दीजिए। ये फाइनली हमारा काम हो गया है,
एक बार हम इसे टेस्ट लेके देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं। पावर केबल मैंने डाल दिया है, चलिए हम इसे स्विच ऑन करते हैं। के बाद यहाँ पे स्विच ऑन कीजिए, के बाद ये ऑन ऑफ का पावर बटन है, इसे हम ऑन करते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं ये अभी एरर शो नहीं कर रहा है। सो आप देख सकते हैं ये अभी हीट हो रहा है, 59 हो गया, 60। सो आप देख सकते हैं जैसे ये 74 हो गया, ये अभी ग्रीन हो गया है। ये ज़्यादातर में भी जैसे हमने इसे अभी 70 फिक्स किया है, ये 75, 78, 77 5-6 पॉइंट हो आगे पीछे जाता है। अब ये 71 आएगा, फिर 70 आएगा, फिर 69 आने के बाद में यहाँ पे रेड लाइट ब्लिंक होगा, उसके बाद में फिर से 70, 71 इस तरह से वहाँ पे काउंटिंग स्टार्ट होगा। सो ये हमारा प्राय प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। सो फ्रेंड, आपके साथ भी इस तरह के प्रॉब्लम आते होंगे, तो आप इस तरह से अपने समस्या का प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। और इसमें ये सेंसर का प्रॉब्लम था, ये आप देख सकते हैं ये पुरानी वाली सेंसर है। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।